नमस्ते दोस्तों, मैं नीता अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। जय माता रानी, आप सब भी कमेंट सेक्शन में जय माता रानी एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी को बताया जाता है। विधिवत यदि आपके घर में विष्णु भगवान का पूजन करा जाता है तो विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करती हैं। हर मास में हम सब विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि पे व्रत करते हैं। सामान्य तौर पे प्रत्येक मास में दो एकादशी के व्रत आते हैं और वर्ष भर में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। परंतु इस वर्ष सौभाग्य के कारण अधिक मास होने से कुल मिला के 26 एकादशी के व्रत आए हैं। और दोस्तों, अधिक मास की अब समाप्ति होने वाली है। अब अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आ रही है। यह 13 अक्टूबर 2020 की तारीख को है। इसे परमा एकादशी और कमला एकादशी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, अधिक मास की एकादशी हर वर्ष नहीं आती है, ये केवल 3 वर्ष में एक बार आती है। अधिक मास आपका भाग्य परिवर्तित करने वाला होता है और कई गुना फलों को प्रदान करने वाला होता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं क्योंकि यह श्रीहरि विष्णु का प्रिय मास है। तो दोस्तों, श्रीहरि विष्णु के प्रिय मास में उनकी प्रिय तिथि एकादशी की तिथि का व्रत आप सभी को रखना है और इस दिन पे आपको एक मुट्ठी चावल का विशेष उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, भगवान बहुत ही आसानी से छोटी पूजा के द्वारा ही प्रसन्न हो जाते हैं यदि भक्त के भाव अच्छे हों। और यदि आप केवल आडंबर और दिखावे की पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करना आसान और सरल है। उनके पूजा के लिए आप एकादशी का व्रत ज़रूर करिए। एकादशी का व्रत करने के लिए दोस्तों, आपको दशमी की तिथि से कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करना है। दशमी की तिथि से रात्रि में भोजन मत करिए। अपने मुंह को अच्छे से ब्रश मंजन करके साफ करिए। अगले दिन जब एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाए, इसके लिए मैंने बताया है आपको, इस बार एकादशी 13 अक्टूबर को व्रत रखना है। इस दिन मंगलवार का दिन है। सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान करें, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए, या तो आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी हो तो आप वहां जाके भी स्नान कर सकते हैं, वरना नहाने के पानी में गंगा जल, आंवला, काले तिल, यह सभी शुभ चीज़ें आप मिलाइए और इनसे स्नान करिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी और जीवन में सुख सौभाग्य आएगा। इसके बाद अपने घर के पूजा मंदिर में अच्छे पीले रंग के या फिर हल्के रंग के वस्त्र पहन के जाइए और श्रीहरि विष्णु का पूजन करिए। श्रीहरि विष्णु को पीतांबर नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत प्रिय होता है। उनकी पूरी पूजा में इस दिन पे चावल का प्रयोग न करके काले रंग की तिली का प्रयोग करा जाता है। श्रीहरि विष्णु भगवान को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहना के हल्दी, केसर, कुमकुम इत्यादि लगा के तिलक कराया जाता है और उन पे काले रंग की तिली चढ़ाई जाती है। प्रसाद में जो भी भोजन आप अर्पित करें उसमें गुड़ का प्रसाद हो सकता है या फिर खीर बनाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। यह चावल की, मखाने की, जो भी खीर आप बनाना चाहें बनाएँ। चावल की खीर बनाएंगे तो इस दिन आप इसे ग्रहण मत करिएगा, अगले दिन ग्रहण करिएगा। इस पे थोड़ा सा तुलसी का जो दल होता है जिसके ऊपर उसके बीज लगे रहते हैं, जिसे मंजरी युक्त तुलसी कहा जाता है, इसे अर्पित करना चाहिए और श्रीहरि विष्णु भगवान के निमित्त एकादशी व्रत की कथा कहनी चाहिए या सुननी चाहिए। नीता विक्रम चैनल पर आप जाके एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं या फिर इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वह कथा सुना दूंगी। इस प्रकार से भक्तिभाव के साथ श्रीहरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करिए और उनके नाम का जाप करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीहरि विष्णु भगवान का पूजन करें और इस दिन पर किसी भी प्रकार की सांसारिक गतिविधियों में आपको उलझना नहीं चाहिए। आपको इस दिन पे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन पे वैसे भी उपवास रखा जाता है तो उपवास में भी एक समय ही फलाहार और जो भी आप भोजन ले रहे हैं वो लीजिए। आप दूध ले सकते हैं,
इस प्रकार से इस व्रत को रखिए। यदि आपको नमक के बगैर भोजन नहीं खाया जाता है तो कूटू के आटा नमक वगैरह खा के भोजन आप व्रत को रखिए। शाम के समय भी आपको अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। और दोस्तों, जो चावल का प्रयोग है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं हमें दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। कोई भी व्रत जप तप दान के बगैर पूर्ण नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप जप करिए। और रात्रि जागरण करना तप कहलाता है। इस समय पे भी विष्णु भगवान के नामों का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, गीता के अध्याय पढ़ना आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक सूचित होता है। इन उपायों को करने से आपकी कुंडली में जो सुख सौभाग्य नहीं है वह भी आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो इन तरह के उपायों को करिए। और जो चावल है एकादशी के व्रत में, आप सभी को पता है हम चावल नहीं खाते हैं, चावल का भोजन ग्रहण नहीं करा जाता, विष्णु भगवान पे भी चावल नहीं चढ़ाते हैं। तो जो चीज़ें ग्राह्य नहीं होती हैं, खासतौर पर चावल, दोस्तों अनाज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग अन्न का दान देते हैं वह अपने जीवन में बहुत सुख पाते हैं और मृत्यु उपरांत भी बहुत सुख पाते हैं। सभी दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। सोने चांदी के दान से भी ज़्यादा अनाज का दान करना श्रेष्ठ होता है। जो अपने जीवन में भूखे मनुष्यों को भोजन कराते हैं, भूखे मनुष्यों की पीड़ाएं हर लेते हैं, उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, उन्हें भगवान की तरह पूजनीय माना गया है। इसलिए आपको भी एकादशी व्रत रखते हुए चावल का दान जरूर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक मुट्ठी चावल आप दे दें, आप इतना चावल दें कि जिसके भी पास आप ये दान दे रहे हैं वह एक समय इस चावल को बना पाएं। तो जैसे आप अपने घर में एक कटोरी या दो कटोरी चावल बनाते हैं, वही चावल जो आप अपने घर के लिए बनाते हैं वही चावल आपको दान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार लोग बाग जो खुद खाते हैं उससे खराब क्वालिटी की चीज़ों का दान करते हैं, इससे पुण्य की जगह पाप लग जाता है। तो कभी भूल के भी यह गलती मत करिए, जो चीज़ आप अपने खुद के लिए लेके आते हैं उन्हीं चीज़ों का दान करना चाहिए। आप अपने घर में जो भी चावल खाने पीने में प्रयोग करते हैं उसकी एक या दो कटोरी आप ज़रूर दान करिए, जिससे जिसे भी आप दान दें वह अपने घर में इस चावल को बना पाए। और इसके साथ साथ थोड़े से पैसे रख के आप इस दान को करिए, आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। एकादशी की तिथि में शाम के समय तुलसी पूजन करना श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसी माता के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अपना ध्यान पूर्वक जाप करिए और एकदम अच्छे भाव के साथ माँ जगदम्बा से प्रार्थना करिए, हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। इस प्रकार कहते हुए आप उनसे अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो जरूर कहिए, क्योंकि दोस्तों इस दिन पे जो सूर्य देव हैं या तुलसी का पौधा है यह आपके लिए साक्षात देव हैं, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इनकी सेवा करने से, इन्हें जल देने से और इनका पूजन अर्चन करने से यानी दीपक लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस प्रकार से पूजन अर्चन करिए और जो भी भोजन आप करें वह विष्णु जी को भी उस चीज़ का भोग लगाएं। भोग लगा के भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, धन की कमी दूर होती है, जीवन में सुख सौभाग्य आता है। जो हमारे पूर्व जन्म में करे हुए पाप होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। इन पापों को जन्म जन्मांतर के पाप कहा जाता है और एकादशी का व्रत करने से हमारे जो पुण्य होते हैं वह इस प्रकार संचित होते हैं कि हमारे मरने के बाद भी यह पुण्य क्षय नहीं होते और स्वर्ग लोक में जाके या विभिन्न वैकुंठ लोकों में जाकर मनुष्य उस सत्पुण्य को ग्रहण करता है और अपने जीवन को सुख सौभाग्य के साथ व्यतीत करता है। इस प्रकार विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहती है, जीवन में नियमित धन आता रहता है, किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। जो लोग पूरी भक्ति भावना के साथ भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित करके जो ग्रहण करते हैं वो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, प्रभु कभी उनके घर को खाली नहीं रखते, उनकी जो भी इच्छाएँ होती हैं वह जरूर सुनी जाती हैं। इस प्रकार से
आप सभी को एकादशी व्रत करके इस पुण्य फल को अर्जित करना चाहिए। आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए और इसी तरह नीता विक्रम चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करिए यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेकर आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। परमा एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आप सभी इस व्रत को ज़रूर कर सकते हैं। कई लोग पूछ रहे हैं क्या इस व्रत से हम निरंतर एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। यदि आपके मन में ऐसा विचार आया है कि आपको एकादशी का व्रत करना है तो ज़रूर आपको यह व्रत करके एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। जय माता रानी दोस्तों।